कानून व्यवस्था ये कोई आज पहली बार विषय नहीं आया। हर सत्र के अंदर इस प्रकार का कॉल अटेंशन मोशन या एडजर्नमेंट मोशन आता है, लेकिन आपकी बार जो ये कॉल अटेंशन मोशन था या एडजर्नमेंट मोशन था, एक विशेष परिस्थिति को लेकर के था, विशेष घटना को लेकर के था, और वो घटना थी जो हमारे विधायकों को थ्रेट्स आए थे। उस थ्रेट्स को लेकर के हमने कॉल अटेंशन मोशन एडमिट किया था, और विपक्ष के साथियों को बजाय विधानसभा के अंदर चर्चा करने के लिए पॉलिटिकल इशू बनाने की जो एक मंशा रहती है। अब जब हम कह रहे हैं कि आप विधानसभा के अंदर चर्चा करिए, वो तो चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है, वो वॉकआउट करने के लिए तैयार है। तो मैं समझता हूँ कि विपक्ष के साथियों को एक सार्थक चर्चा विधानसभा के अंदर करने के लिए करनी चाहिए, और हम हर जनहित के मुद्दे को, जनता से जुड़े हुए मुद्दे को विधानसभा के अंदर डिस्कस करने के लिए तैयार हैं। आज से पहले कोई कॉल अटेंशन मोशन नहीं लगता था। मैंने कहा कि दो कॉल अटेंशन मोशन, आज तक एक भी नहीं लगा, हमने दो दो कॉल अटेंशन मोशन तीनों दिन लगाए, ताकि मेरा ये कहना है कि जो मुद्दे तुरंत मुद्दे हैं, कॉल अटेंशन मोशन होता है कि कोई जो विषय पिछले सत्र के बाद ऐसा आया हो जो बहुत इम्पोर्टेंट हो, तो उसको हम विधानसभा के अंदर चर्चा करते हैं। अब देखिए, जैसे कानून व्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी, ये मुद्दे ऐसे हैं जो एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, और हर चाहे वो यहाँ की असेंबली है, चाहे वो लोकसभा है, चाहे वो की राज्यसभा है, ये मुद्दे वहाँ पर भी डिस्कस होते हैं। ये एक रूटीन के मुद्दे हैं, ये कोई बहुत मतलब आज ही कोई समस्या आई है ऐसी नहीं है। तो इसलिए जो विपक्ष का ये कहना कि हमने एडजर्नमेंट मोशन दिया था, देखिए कॉल अटेंशन के मोशन के ऊपर लगभग 1.5 घंटा पौने 2 घंटा चर्चा हुई है, जबकि नियमों के अनुसार आधे घंटे के अंदर ये कॉल अटेंशन मोशन के ऊपर चर्चा खत्म होनी चाहिए। सर, अभी कितने प्रस्ताव पास किए गए हैं सर? कई ध्यानाकर्षण काम प्रस्ताव किए गए हैं, कितनों पर चर्चा होगी? देखिए, आज तो जो था हमने सिर्फ कॉल अटेंशन मोशन जो लिया था वो जो विधायकों को थ्रेट्स आए थे उसके ऊपर लिया। कल दो जो कॉल अटेंशन मोशन लगेंगे, और भी परसों का अभी बिजनेस तय होना, परसों पता लग जाएगा, कल दो कॉल अटेंशन मोशन आएंगे। सर, मॉक सेशन के अंदर भी कुछ एक विधायकों का साफ तौर पर कहना था कि जो नई परंपरा जो शुरू की गई है डिजिटलाइजेशन, उसको समझने में परखने में काफ़ी समय लगेगा, तो ऐसी स्थिति में दोनों विधायक जो हैं वो सुचारू रूप से चलनी चाहिए, ताकि जो जनप्रतिनिधि चुनकर आए हैं वो भी अपनी सवाल जो है वो सदन में रख सकें। नहीं देखिए, अब की बार इस सत्र के अंदर हमने दोनों विधायकों को अब की बार चालू रखा है, अब की बार शुरुआत की है। मैं कहता हूं कि ये एक ऐतिहासिक दिन था आज हमारी हरियाणा विधानसभा के लिए, जब हमारी विधानसभा जो है ई विधानसभा हुई है। युग बदल रहा है पूरी दुनिया के अंदर, डिजिटलाइजेशन, कंप्यूटराइजेशन, और जिसके कारण मैक्सिमम पारदर्शिता आती है, ट्रांसपेरेंसी आती है। आज उसके ऊपर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी डिजिटलाइजेशन के ऊपर बड़ा जोर दिया है, और सभी विधानसभाओं से ये आग्रह किया है कि वो अपने आप को डिजिटलाइज करें। आज अगर हमारी विधानसभा डिजिटलाइज हुई है, उससे न केवल विधायकों को, न केवल जो पर्यावरण की दृष्टि से कागज़ बचत है, 5 करोड़ रुपए का कागज़ जो एक साल के अंदर लगता था उसकी बचत होगी, पर्यावरण शुद्ध रहेगा, इसके साथ साथ जो जनता है, लोगों को भी अपने विधायकों के साथ सीधे तौर पर जुड़ने का मौका मिलेगा। और आज एक हमने जो एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया कि हम पिछले 50 वर्ष का जब से हरियाणा विधानसभा बनी है उसकी जो सारी डिबेट्स आज तक हुई हैं, उन डिबेट्स को भी हम डिजिटलाइज कराएंगे, कंप्यूटराइज कराएंगे, ताकि माननीय विधायक को कोई पिछली डिबेट देखनी है, कोई पिछला बिल देखना है, पिछला कोई चर्चा देखनी है, वो एक क्लिक के माध्यम से उनको अवेलेबल हो सके।
तो आज जो फायदे इस ई विधानसभा से होने वाले हैं, मैं समझता हूँ कि कुछ बहुत देर तक वो याद रहेंगे, कुछ सम्मानित सदस्यों को मुश्किल हो सकती है, लेकिन जब आप सब देखते हैं कि जो मोबाइल आया था उस समय भी, आज तो छोटे छोटे बच्चे भी मोबाइल जो है वो हर चीज़ मोबाइल के ऊपर है, और माननीय विधायकों ने मोबाइल को भी सीखा है, तो इस टैब को भी सीख जाएंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।